सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आ गए हम अपने न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं हेलो नेबर। चलिए शुरू करते हैं इस गेम को और आइए देखते हैं क्या है इस गेम में ऐसा डरावना। वो कहते हैं ना, क्या है ऐसी चीज़ जो आज बच्चों को डरा रही है, हम जैसे शेर को डरा के दिखाए। तो आइए शुरू करते हैं उसी अंदाज में। इस गेम की शुरुआत में दिखाया जा रहा है एक फुटबॉल सड़क पे, और एक बच्चा आ रहा है उस फुटबॉल की तरफ दौड़ते हुए, जो कि नॉर्मली कोई भी बच्चा आता है। अरे क्या कर रहा है, अभी सड़क में ऐसे फुटबॉल कौन खेलता है भाई, ऐसे तेरे को कोई भी गाड़ी उड़ा के ले जाएगी। और यहाँ पे थोड़े इंस्ट्रक्शन आते हुए, चलो। और ये क्या लगता है, इस बच्चे ने फुटबॉल को काफ़ी दूर पहुँचा दिया गाइस। इस बच्चे ने मैंने, और ये मेरा ही कैरेक्टर। तो चलिए चलते हैं अपन अपने फुटबॉल के पास। अरे हाँ यार, इंस्ट्रक्शन मालूम है यार, ये इन गेमों में ना बड़ा ही लोचा होता है बार बार इंस्ट्रक्शन। चलो। और ये अपन पहुँच गए अपने फुटबॉल के पास। वेट, मुझे अभी किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और ये कहीं इसी आसपास से किसी घर से आ रही है। क्या आप लोगों को दिख रहा है, सामने एक अंकल किसी बच्चे को पीट रहे हैं, देख रहे हो गाइस। ये अंकल पागल है क्या, ओ शायद इसने मुझे देख लिया। चलो अपन धीरे से चुपके से बिना कोई शोर किए चेक करते हैं कि आखिर ये अंकल क्या कर रहे हैं घर में किस अनजान बच्चे के साथ। गाइस इस बंदे ने, इस अंकल ने उस बच्चे को अपने बेसमेंट में बंद कर दिया, और ये देखो कैसे एक्टिंग कर रहा है बिल्कुल, और इसने दरवाजे को लॉक भी कर दिया। सो गाइस मुझे लगता है इसने मुझे हमें देख लिया। अंकल देखो, ओ गाइस इसने मुझे पकड़ लिया गाइस। उस गेट को लॉक किया है और चाबी वहीं पे टेबल पर रखी है। तो गाइस इतना तो मैं आइडिया हो गया कि इसी घर में वो की है और रूम भी इसी घर में। अब हमें फटाफट से इस बच्चों को अपने साथ खिला करके यहाँ से ले जाना। तो चलो गेम को शुरू करते हैं। तो ये इसके घर का एंट्रेंस का पॉइंट है, और गाइस इसने अपनी कार को बिल्कुल गलत तरीके से पार्क करके रखा है, ऐसा लगा जैसे इसके एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे हमारा फुटबॉल है, गाइस सर की जम करेंगे। चलो फुटबॉल को पिक कर लेता हूँ एक बार। ओके यार ये इंस्ट्रक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहे गाइस, इतने इंस्ट्रक्शन कौन देता है भाई। ओके चलो अब यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे। अरे अभी तो वैसे घर के करीब ही गया था यार, ये तो फिर से वापस आ गया। ये अंकल बड़ा, इसका कान बड़े तेज है भाई, इधर से नहीं जाना, भागो 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 भागो। ओके ये इधर नहीं आ सकता है, ये वहीं तक रह सकता है, मतलब ये हमारे घरों के एरिए में नहीं आ सकता, ये अपने घर के एरिए में रहता है। चलो फिर से ट्राई करते हैं इसके घर के अंदर जाने के। और ये अपन गए, और गाइस ये पता नहीं कितना तेज है यार, ये फटाक से आ जा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है। इतना बार बार ट्राई कर रहा हूँ मुझे, मैं ऐसा करता हूँ कि पीछे से घूम के जाता हूँ, शायद पीछे को रास्ता हूँ, ट्राई करता हूँ पीछे से, क्योंकि ऐसे जगहों में ना रास्ते काफ़ी होते हैं, एक डोर निकलते तो दूसरा डोर नहीं तो तीसरा डोर, ट्राई करता हूँ। अरे यार ये मैं कहाँ आ गया, ये तो मैं किसी और की बाउंड्रीज पार करके रखते हैं। चलो इस अंकल के घर में जाते हैं, वो भी पीछे के रास्ते से बिना कोई हल्ला किए, बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं, कोई आवाज़ नहीं। चलो धीरे धीरे। गाइस देखा मैंने, कहा था ना पीछे का रास्ता ज़रूर होगा, बट ये देखो एक लिफ्ट जैसी है, यहाँ पे एक सीढ़ी बनी हुई है, बट ये तो लॉक है गाइस। इसे ओपन करने के लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और शायद मुझे पता है वो कहाँ है। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं ऐसे ओपन होता है तो ठीक है, नहीं 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 मुझे ऐसे खोलना ही होगा। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है इस खिड़की में मुझे कुछ दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, देखो मैं जंप करके देखा मैंने, थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ऊपर जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा। ये तो एक बंद,
ये अंकल तो हमारा पीछे छोड़ने से रह रहा है, ये बार बार अपने पीछे पड़ जा रहा है, इसको मुझे भागना पड़ रहा है इससे काफ़ी दूर। इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर लो ना, ऐसे ही अपने को भगाता रहा तो अपना तो हो गया। फिर चलो फिर से ट्राई करते हैं, ये गेट खुला छोड़ दिया इस बार। गाइस एक सीढ़ी यहाँ पे भी लगी है, क्या मैं इसके इसके सारे ऊपर जा सकता हूँ? हाँ गाइस अपने को ऊपर ही तो जाना है, अपन इसको यूज़ कर सकते हो। ये क्या मैं तो नीचे आ जा रहा हूँ बार बार यार। ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, साइड में जो छोटे कार्टून टाइप में पड़े हैं ना वो अपने को यूज़ करने होंगे, वो कार्टून के बॉक्सेस। चलो अपन फिर से ट्राई करते हैं। अब अंकल जी अपने घर में वापस आ चुके हैं, धीरे 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 अपने को जाना होगा। लेट्स गो गाइस, ए जंप। ओके 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 एंड कोई नहीं कोई नहीं भाई, अभी मत दीजिए भाई भाई। चलिए धीरे धीरे ये सारे बॉक्स में कलेक्ट कर लेता हूँ, एक दो तीन। अरे यार ये इंस्ट्रक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहे गाइस, इतने इंस्ट्रक्शंस कौन देता है भाई। ओके जितने अभी बॉक्सेस मुझे मिलते हैं मैं वो सारे कलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ऐसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके अब चलते हैं इधर से धीरे धीरे बिना कोई साउंड के। गाइस उसने मुझे देख लिया गाइस, यार इसकी कान और नज़र तो बिल्कुल बाजी रहा हुआ ही बिल्कुल सेकंड में सुन ले रहा है, बिल्कुल पीछे पीछे ही नहीं छोड़ रहा जाए ये पर। लेकिन हम भी हैं उससे तेज, अपने को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलो अपन ट्राई करते हैं फिर से चढ़ने को, एक बार इसे इसे वापस इसके घर में जाने दे दो। ले वापस से अपने घर में जा चुका है, आप ट्राई करते हैं फिर से ऊपर जाने का। 3 2 1 चलो कोई नहीं, कोई साउंड नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से ऊपर जाना अपना। ये वहीं तक लिमिटेड है, ये अपने एरिया में नहीं आ सकता। चलो फिर भी मैं दोबारा तो ट्राई कर लूँगा, फिर से ट्राई करते हैं। चलो इस बार भी धीरे से हौले 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलो अपने पास सारे बॉक्सेस हैं अभी अवेलेबल, अपने को धीरे धीरे बैठाने। चलो मुझे लग रहा है मेरे आस पास साउंड बिल्कुल क्लियरली आ रहा है। Well, I am rather busy. कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। Now he's going to move like right along to McGregor to hold up. Goodness me, you look great. Where are you staying? I haven't gotten around to giving a straight answer. Hey, यार ये चढ़ क्यों नहीं रहा गाइस? You're clear okay. already. Okay. Exactly. Okay. ये मैं आ गया ऊपर। अब यहाँ पे मुझे बॉक्सेस लगाने हैं। Yeah. Like why? Hey. Don't blame me for your order. एक दूसरा फिर उठा लिया यार, एक इसके ऊपर एक लगा देते हैं। अरे जंप नहीं करना भाई, अभी जंप नहीं करना, अभी तो इसको लगाना है। गाइस ये बॉक्सेस सारे नीचे फिर से अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, सारे मेहनत देना है। अंकल नीचे आ गए, भागना भागना मुझे भागना होगा, मुझे भागना होगा, वो फिर पकड़ लेगा। मैंने अभी अभी देखा उस अंकल तो चला गया सर, हाँ सर वो चला गया। चलो पटाखे शुरू करते हैं, बॉक्सेस कलेक्ट करो। अभी अभी अपने बचे गाइस, जल्दी से जल्दी से यार, ये कितना मुश्किल काम है यार, सॉरी वो कुछ चला नहीं जा रहा गाइस। ये बीच में जो लकड़ी है ना वो मेरे ख्याल से गलत लग रही है। चलो फिर भी मैं दो ब्लॉक्स तो मैंने सेट करके रखे हैं, ट्राई करता हूँ इस बार ही शायद ऊपर चल जाऊँ। ओके 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 फिर से नीचे आ गया यार, भाई चढ़ जा
चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ओके 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 फाइनली मैं चढ़ चुका हूँ। ओह शिट 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 शिट, मैं फिर से नीचे आ गया गाइस। यार ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है, प्लीज फिर से ट्राई करना होगा, फिर से ट्राई करूँगा यार। जब तक ट्राई करता रहूँगा जब तक ये हो ना। देखो फिर से वो अंकल आ गया यार। इस अंकल के ना मैं कान में ही छेद कर दूंगा, सुना ही नहीं देगा इसे। एक बार ऊपर चढ़ जाए बुड्ढे, उसके बाद तेरे को बताता हूँ, रुक जा। गाइस काफ़ी मेहनत के बाद अपन ऊपर तो आ गए, और ये ओके 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 ओके। अब अपने को जाना है उससे लिए। ये बॉक्स से मार के बस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, एक की कोशिश ना काम नहीं चलेगा, दूसरा ट्राई करता हूँ। गाइस किस्मत ही खराब हो गया आज, एक जगह से दूसरी जगह आया बस, के बाद आज खिड़की भी नहीं टूटी। कोई फ़ायदा नहीं मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे नीचे ही जाना होगा वापस से, फिर से मेहनत कर। चलो जाते हैं जा नीचे। वो तो अंकल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अपने साइड से निकलो, साइड से निकलो, नीचे बंद करो, मेरे बॉक्सेस उठाओ। वन गाइस वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, मुझे भाग। ओके चला गया। चलो फिर से ट्राई करते हैं फिर जाने में। ये गया अपने ऊपर, ये गया अपने ऊपर, और फिर से यहाँ डबल मेहनत करनी होगी गाइस। एक ऊपर आ चल जाएगा, एक बॉक्स और बचा है, अब इस बॉक्स के ऊपर चल जाएगा। और नहीं 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 यार, मैंने बॉक्स बिगड़ा दिया। कितनी बार बनाओ यार इसे, भाई आधा टाइम तो मुझे इसे ही सेट करने में चला जाएगा यार। चलो फिर से ट्राई करते हैं, आज इसे कंप्लीट करके रहेंगे यार। वैसे आज फिर से ट्राई करते हैं, मुझे बॉक्सेस एक पर एक सेट कर लेंगे। उसके बाद बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के मुझे छत पे जाना है, फिर एक छत से मुझे दूसरे छत पे जाना है, और उस दूसरे छत से मुझे फिर तीसरे छत पे जाना है, और उस रूम में पे करना है। अरे हाँ, एक बार फिर से मैंने बॉक्सेस गिरा दिए। चलो अब इस पर फिर उठा लिया यार, क्या हो रहा है मेरे सामने, कंफ्यूज है। उठाने वाले में और वापस रखने वाले में, लेकिन चलो मैं फाइनली ऊपर तो आ गया। लेकिन इस बार फिर मैंने एक मिस्टेक कर दी, जैसे मैंने एक बॉक्स को थ्रो किया और वो खिड़की नहीं टूटी। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फाइनली गाइस इस बार मैंने खिड़की ब्रेक कर दी, इस बार तो विंडो टूट चुकी है। अब मैं चलता हूँ सीधा ऊपर वाले रूम के अंदर, और ये ली मैंने एंट्री। ओके ओके, चलो चेक करते हैं क्या चेयर पड़ी है। चेयर के साथ मैं कुछ कर सकता हूँ या कैमरे से उठा सकता हूँ, नहीं छोड़ा था बेटा। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस भी पड़े हैं। ओके इस बॉक्स को उठा के एक बार खिड़की तोड़ देता हूँ, नहीं ये नहीं टूटेगी, छोड़ा था। ओके यहाँ पे वायर है, ये वायर नीचे गए, और ये सीढ़ी, अरे ये तो ब्लॉक है गाय। इस अंकल ने, इस साइको अंकल ने तो यहाँ पे दीवार लगा दी है गाइस, मीन्स ये रास्ता तो ब्लॉक है। मेरे को लगा था मैं इस रास्ते से बाहर जा सकता हूँ। इस वायर का कनेक्शन यहाँ पे, ये लीवर को खींच कर देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। नहीं ये भी काम नहीं कर रहा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ये वायर इस रूम के अंदर गए हैं, और यहाँ पे एक फैन से जुड़ा हुआ है, जरूर इनका कुछ कनेक्शन है गाइस। अमन कह सकता हूँ मुझे इनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी होगी। भाई ये इंस्ट्रक्शन अभी भी आ रहे हैं मेरे फोन से, ये गेट ऑन नहीं हो रहा यार, ये गेट लॉक है। अब इस रूम के अंदर जाऊँ कैसे, यहाँ पे कोई की वगैरह मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी भाई, की भी ढूंढनी पड़ेगी, ये तो काम नहीं कर रहा गाइस। हो सकता है कि इधर ही कहीं पड़ी हो, अपने सामने ही, और हमें दिखाई ना दे रही हो गाइस। अंदर देखते कुछ दिखाई देता है, तो थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। अंदर एक दरवाज़ा दिख रहा है हमें, एक डोर अंदर की ओर है, और थोड़े बहुत कुछ सामान अंदर पड़े, क्लियरली हमें नहीं नजर आ रहे गाइस। अब अंदर जाके पता करना होगा कि अंदर क्या क्या आइटम हमें मिलती है, क्या इसके जरिए हम यहाँ से एस्केप कर पाते हैं और ख़ुद भी, और क्या उस बच्चे को एस्केप करा पाते हैं। अब अपने को ढूंढने पड़ेगा गाइस। इस लीवर को ऊपर करने से कुछ होगा, ट्राई करते हैं। नहीं ये भी काम नहीं कर रहा है, इधर भी कुछ नहीं। ओके वेट 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 गाइस, अभी जस्ट यहाँ पे जो पेंटिंग लगी थी, उस पेंटिंग के पीछे एक रास्ता था गाइस, मैंने देखा नहीं था गाइस।
आपको यकीन नहीं है, मैंने अचानक से बस ऐसे टच किया, वो पेंटिंग गिर गई और वो दरवाज़ा ओपन हो गया, वो रास्ता खुल गया। अब मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा क्योंकि मैं अंदर जा नहीं पा रहा था, इसके मेरी हाइट शायद थोड़ी कम है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे एक बॉक्स का यूज़ करना चाहिए, एक बॉक्स लगाती हूँ और उसके बाद फिर अंदर। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, मुझे बॉक्स लगाना होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, इधर अभी हमने बॉक्स देखा था ना। हाँ चलो, अरे यार ये लीवर कितनी वाला, मुझे बॉक्स चाहिए, बॉक्स का यूज किए अपने नहीं हो पाए। चलो ठीक है, बॉक्स का यूज़ कर ही लेता है। चलो एक बार फ़ैन को भी ट्राई कर लेता, अगर फैन से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं। चलो ट्राई करता हूँ, ये बॉक्स को लिया मैंने यहाँ से और ये लगाया बॉक्स को, ये और ये पेंटिंग अपने आप कैसे लग गई गाइस। शिट शिट शिट, मुझे फिर से हटाना है लगता। चलो ये मैंने पेंटिंग को हटाई, ये पेंटिंग हट गई। ओके चलते वापस से अंदर, और ये गए अपन यहाँ पे, ये लगाया बॉक्स और ये 3, 2 and 1 बूम, ये अपन आ गए। ये गाइस यहाँ पे एक स्केटबोर्ड पड़े, ऐसे उठाता हूँ, क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ? चला नहीं है, बस ये उठाने का ही काम, उठाओ और फेंक। इधर को मुझे कुछ कीज भी नज़र आ रही है, तो चेकआउट करता हूँ क्या फिलहाल इसे फेंकता हूँ। यहाँ पे मुझे एक की दिख रही है, यहाँ पे भी एक की नज़र आ रही है, इधर एक लीवर, लीवर को ऊपर कर दो। चलिए ऊपर हो गए, क्या ये फैन चला? ये लीवर फैन से कनेक्टेड थी, चलो चेक करता हूँ ये फैन चले। यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शन, नहीं फैन तो चला नहीं गया, लीवर तो ओपन कर दिया। ये क्या हुआ, ये काम नहीं कर रहा क्या, ये भी काम नहीं कर रहा, ये कुछ सारे कुछ ख़राब है क्या इस घर में? ये अंकल ने सारा ख़राब मटेरियल लगा कर रखा है यार, यहाँ तो कुछ काम नहीं कर रहा। चलो इस गेट को निकालते हैं यहाँ से और इस दरवाजे को ओपन करते हैं, 3, 2 and 1। चलो ये दरवाज़ा तो अपना ओपन हो गया है, अब अपने को फटाफट बाहर निकलना है। लेकिन वेट, उससे पहले अपने को यहाँ पे कुछ और भी मिला था गाइस। हाँ इस साइड पे अपने को मिली थी एक और की, अरे यहाँ नहीं यार, ऊपर चेक करना भाई, ऊपर। मेरे ख्याल से इधर भी कुछ आइटम चेक करो। ये फिर से मैंने स्केटबोर्ड ले लिया है, मुझे लगा इसका यूज़ होगा जरूर कहीं ना कहीं, छोड़ा हटा फिलहाल के लिए। हाँ यहाँ देखते हैं गाइस, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें बनी हैं, एक हाउस है, एक गराज है और एक कार है। यहाँ पे हमारे कार के नीचे में एक रेड कलर की दिख रही है कार की, हमने नीचे ट्राई किया था कार की पीछे की डिक्की ओपन करने के, लेकिन वो ओपन हुई नहीं थी। चलो फिलहाल ट्राई करते हैं इस चाबी से, अगर ओपन हो जाती है तो सही है भाई, हमें वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम एग्ज़िट कर सकते हैं आराम से। चलो पहले एग्ज़िट करते हैं इधर से और बचते हैं उन अंकल जी से। ओके अब यहाँ आ गए उनकी 2D कार, अब इस 2D कार में हम देखते हैं यहाँ हमें क्या मिलता है गाइस। ये तो गेट तो ओपन ही नहीं होने का, अरे गेट पे भी टैप कर रहा हूँ गाइस, गेट भी काम नहीं कर रहा। वैसे इसका यहाँ पे तो अंदर पे तो कुछ नहीं दिख रहा, डिक्की पे ही चेक करते हैं, डिक्की पे कुछ मिल रहा है। ये ओपन किया मैंने डिक्की, ओके यहाँ हमें मिला एक, ये क्या कर रहा है, अपने को यहाँ एक मैगनेट मिला है, मैगनेट का क्या है, मैग्नेट से क्या करना पड़ेगा? चलो ट्राई करके देखते हैं, मैग्नेट्स मेटल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ये देखो। ओके ओके हो गया, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस मैग्नेट का अपने को खाना होना चाहिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो गाइस अब इस मैग्नेट का यूज़ मैं आपको बताता हूँ, इस मैग्नेट का यूज़ हमें करना है इस घर के जस्ट बैकयार्ड, वो पता है कहाँ आपको, जहाँ पे हमें वो ऊपर जाने वाली जो सीढ़ी है ना, जो कि ब्लॉक है, उसे ओपन करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें इसी के थ्रू मिलेगी, ये देखो यहाँ। लेकिन यहाँ पे तो चढ़ने के लिए मुझे चाहिए बॉक्सों की ज़रूरत, तो मुझे यहाँ मिलेगी बॉक्स, सारे बॉक्सेस यहीं पर मिलेंगे मुझे। तो पहले फटाफट से बॉक्सेस कलेक्ट करते हैं अपन लोग, 1, 2, 3 हम लगाते हैं इन बॉक्सेस को इनके जगह पे,
उसके बाद हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो लेते हैं और उसके बाद ओपन करते हैं इस गेट को, या फिर चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे इस अंकल ने चाबी रख रखी है। चढ़ जा भाई चढ़ जा, अरे चढ़ जा यार, यहाँ पे हो रहा गाइस, यहाँ पे हो ही नहीं रहा। मुझे लगता है मुझे और ब्लॉक्स लाने की जरूरत है। ये माइनक्राफ्ट वाला थोड़ा थोड़ा सीन लग रहा है मुझे। माइनक्राफ्ट में भी अपन लोग ऐसे ही ब्लॉक्स जोड़ते हैं ना। चलो कोई नहीं, थोड़े और ब्लॉक्स लेकर के आते हैं अपने। 1 2 अरे यार मैग्नेट क्यों फेंक दिया मैंने। चलो 3 बॉक्सेस तो लग गए, अब मैग्नेट को उठाता हूँ। अब चल, अब शायद हो जाए। अभी भी नहीं, अभी भी एक और ब्लॉक चाहिए गाइस मुझे। चलो लेके आता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि बिना लाए होगा नहीं। और मुझे पक्का यकीन है कि जो इक्विपमेंट की मुझे ज़रूरत है वो यहीं पर मिलेगी। चलो इधर देखते हैं, ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं। ओके 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 ओके, और एक बॉक्स मुझे यहाँ पर मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अंकल ने देख लिया है। वैसे ही तो देखो उड़ता हुआ आ रहा है यार, इसे इसे सुना ही बड़ा जल्दी नहीं देता है। चलो ओके, मैं फिर भी मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से उठाने का। और ये अपन आ गए यहाँ पे, ये उठाया। ओके भागा, फिर से वो आ गया यार, ये बॉक्स उठाने नहीं दे रहा है। ये देख रहे हो कैसे जंप मारते हुए आ रहा है। गुस्से में लग रहा है भाई, डस्टबिन को लातों से उड़ा रहा भाई ये तो भाई। धीरे धीरे करके चलो 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 चलो, ये इसका कोई टाइम नहीं है क्या एक्सरसाइज करने का? जब भी कहीं भी शुरू हो जा रहा है ये तो। चलो अपने लिए तो सही है यार, करने दो एक्सरसाइज, करने दो। अपन यहाँ से बॉक्स कलेक्ट करते हैं और चलते हैं सीधा पीछे। और इस बार हम पूरा घूम के नहीं, एक शॉर्टकट रास्ता यूज़ करेंगे जो कि है इस अंकल जी के घर से। अंकल के घर के बीचों बीच से निकलते हुए अंकल के बेडरूम से होते हुए अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे। और ये लगाया हमने ब्लॉक और ये मारा जंप। यहाँ पर मुझे रेंच दिखाई दे रही है जिसके थ्रू अपन लोग इस नट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये तो आ नहीं रहा अपने पे। लेकिन ये मैंने एक क्रोबार खींच लिया है और एक ये गेट्स ओपन करने के काम आएगा भाई, ये की होल में यूज़ करने के लिए है। चलो इसे भी रख लेता हूँ अपने पास, क्रोबार को भी उठा लेता हूँ। क्रोबार इधर एक ही फेंका है मैंने। हाँ चलो ओके, अब मुझे क्या करना है गाइस कि मुझे जाना है इस रूम के अंदर और मुझे मालूम है मुझे कहाँ से जाना है। चलो पहले चलते हैं इस अंकल के बेडरूम के अंदर। ओके, ये आगे अंकल के बेडरूम के अंदर। और ये देखो गाइस, ये सामने एक सिल्वर कलर का लॉक लगा हुआ। अब अपने को यूज करना है ये लॉक पिक और इससे अपन ने गेट खोल लिया गाइस। बट ये क्या, गेट तो ओपन ही नहीं हो रहा गाइस। हाँ ओके ओके, क्या गेट ओपन हो गया। अब लॉक हो जा भाई, भाई लॉक हो जा, लॉक हो जा भाई। भाई मैं सारे सामान क्यों फेंक रहा हूँ अपने यार, ये गेट लॉक ही नहीं हो रहा यार। क्रोबार तो आ जा भाई, क्रोबार को उठा लेता हूँ यार। क्या हो रहा है मेरे साथ यार इस गेम में। अब जितना ज़्यादा मुझे इस अंकल से डर नहीं लग रहा, उतना ज़्यादा तो मुझे लग रहा है ये गेम ही ऐसी है यार, बेकार है। चलो गेट बदला फाइनली। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ से लेना है ये रेंज। इस रेंज के यूज़ से ही अपन लोग बाहर के उस जो नट लगी है उस सीढ़ी पे वो ओपन होगी, जो ब्लॉक है बाहर जिसके थ्रू अपन जाने वाले हैं ऊपर वाले फ्लोर पर। ओके, यहाँ पर और कुछ सामान की ज़रूरत है? मैं कोई ऐसा सामान जो हमारे ज़रूरत की हो, मुझे तो ऐसे कुछ नहीं लग रहा है। कि अब गेट ओपन करते हैं यार, ये गेट ओपन नहीं हो रहा गाइस। क्या इसकी भी कोई की लगी गेम खोलने को, या उस अंकल ने बाहर से गेट लगा दिया यार, क्योंकि ये तो ओपन नहीं हो रही गाइस। मुझे मुझे पक्का लग रहा है उन्होंने गेट बाहर से लगा दिया यार, क्योंकि ये गेट तो खुल ही नहीं रही। अरे खुल जा भाई, अरे खुल जा यार। भाई ये अंकल बिल्कुल सन किया भाई, बिल्कुल पागल है। ट्राई करता हूँ इस
इससे कुछ काम बन जाए भाई। इससे भी नहीं खुल रहा गाइस, यार गेट खुल जाए भाई। भाई क्या मजाक है यार, अपने से तो गेट ही नहीं खुल रहा भाई। शिट 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 शिट, यार खुल जाए गाइस। इससे ट्राई करता हूँ, नहीं ये भी काम नहीं कर रहा गाइस। मैं यही ब्लॉक हो जाऊंगा क्या अपने, वो फिर से गेम रिस्टार्ट करना होगा लग रहा है। यहाँ कुछ देखता हूँ गाइस, हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ ब्लॉक लगाता हूँ, ये बॉक्सेस को यहाँ लगाता हूँ और ऊपर ऊपर जो एक छोटी सी विंडो है उससे निकलने की कोशिश करता हूँ। मे भी हो सकता है अपन वहाँ से निकल जाए, लेकिन यार ये कंट्रोल मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। इतनी देर खेल लिया गेम, फिर मैंने उठाने के जाता हूँ सामान वापस से फेंक दे रहा हूँ। चलो ये लगा यहाँ पे, ये गया अपन इस ब्लॉक के ऊपर। ये ट्राई करा अपन ने फिर से और ये पहुँच गया अपन विंडो पे, लेकिन यार ये भी काम नहीं कर रहा गाइस। अपन यहीं से एग्जिट, ओके 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 ओके, फाइनली ये विंडो ओपन हो चुकी है। अपन को यहाँ से भागना होगा, भागना होगा। वो अपने पीछे आ रहे हैं, वो अपने पीछे आ रहे हैं। भाग 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 भाई, भाग 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 भाग, बच गए भाई, बच गया गाइस, बच गया बच गया बच गया। ओके अब यहाँ पे यूज़ करते हैं रेंज का, इस रेंज का यूज़ यहाँ पे करते हैं इस वोल्ट को ओपन करने के लिए। ये खोला अपन ने ये वोल्ट और ये आ गया अपन ऊपर छत पे गाइस फाइनली। अरे मुझे लग रहा है कहीं वो ऊपर ना हो जाए, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है गाइस, मुझे उस अंकल की आवाज़ सुनाई दे रही है गाइस, मुझे लग रहा है वो मेरे आस पास ही। ओके ओके यहाँ पे मैं, ओके वो अभी नीचे से पास हो गए, मुझे डर लग रहा है कहीं वो अपने पास ना आ जाए, मुझे जल्दी जल्दी नीचे जाना होगा गाइस। यहाँ से छत टूटी है क्या, मैं नीचे को जाऊँ, जम कर जाऊँ। ओके बच गया गाइस, बच गया बच गया। यहाँ पे एक दरवाज़ा है और एक चेयर से ब्लॉक किया जाए गाइस, तो अपने निकल दो, इस रेंच को फेंक देता हूँ, चेयर को उठाता हूँ यहाँ से और चेयर को भी फेंक देता हूँ पीछे। ओके ये फेंका चेयर को, ये मिली हमें चाबी, इस ये इसी चाबी की तो तलाश थी गाइस। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से बाहर निकलना है, नीचे जाना है और उस बेसमेंट के लॉक को ओपन करना और उस बच्चे को लेके यहाँ से बाहर निकल जाना है गाइस। अपन ट्राई तो कर रहे गाइस, बस ओपन हो जाए। नहीं यार अब क्या इसके यहाँ के सारे गेट्स पे इतने प्रॉब्लम क्यों आ रहे गाइस ओपन करने। लेकिन अगर ये गेट ओपन नहीं होता है तो मैं बाहर विंडो यूज़ कर सकता हूँ, विंडो को ब्रेक करके मैं बाहर तो जा सकता हूँ, है ना। लेकिन ट्राई करता हूँ। चलो फाइनली 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 मैंने ये गेट ओपन कर लिया है, ये डोर ओपन कर लिया है। और मैंने जो लीवर पुल किया था, देखता हूँ उससे कुछ काम होता है गाइस, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। चलो फिलहाल तो ये रास्ता भी ब्लॉक है, अपने को जाना होगा तो विंडो से ही जाना होगा, जहाँ से अपन पहली बार नीचे गए थे कार के, कार से मैगनेट निकालने के लिए। चलो चलते हैं फिर अपन वहीं से। 3, 2, 1, 1। बच गए गाइस, बस हमें जाना है यहाँ से आराम से बिना कोई। भाई अंकल आ गया ऊपर, आगे जंप कर रहा हूँ, पकड़ लिया गाइस यार इतने एंड पे आके इसने अपने को पकड़ लिया। चलो कोई नहीं, अपन फिर से ट्राई करते हैं, इस बार अपन बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएंगे, बिल्कुल आराम से जाएंगे। मुझे लग रहा है वो वापस से अपने को सुन लिया गाइस, उसने अपने को सुन लिया गाइस। वो देखो मैंने बोला था ना, क्या अंकल तुम्हारे कान तो चूहों से भी तेज है यार। कोई नहीं इसे जाने दो, अंदर जाने दो, फिर से ट्राई करेंगे, हड़बड़ी नहीं करना है गाइस। इतने दूर तक पहुंच गए, थोड़े दूर और सही, थोड़ा देर और सही, बस 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 इस बार अपन पीछे का रास्ता अपनाएंगे, इस बार अंकल के बेडरूम से जाएंगे अपन, वही अपना शॉर्टकट रास्ता यूज़ करके। ये आ गया अपन यहाँ, ये ओ मैं तो ये वापस इस रूम में आ गया, मुझे यहाँ नहीं जाना था। मुझे अंकल के जो सामने से सामने से सामने से सामने से वो बाहर एक्सरसाइज कर रहा है और ये अपन गैस, वो अंकल आ गया आ गया, भागना होगा भागना होगा। नहीं 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 नहीं
अब फिर से कोशिश करूँगा। इस बार तो करके रहूँगा गाइस, इस बार नहीं, इस बार सीधे जाऊँगा, बिल्कुल सीधे सामने से, सामने की ओर, एकदम सामने का। ये गए अपन सामने से और ये रहा गेट। फटाक से लॉक ओपन करते हैं, जल्दी से ओपन हो जा। ये बेसमेंट का लॉक खोला हमने और ये गेट ओपन हुआ। ओके गाइस, अपन पहुंच चुके हैं अब कहीं और, मुझे मालूम नहीं कहाँ पहुँचे, और ये बेसमेंट में पहुंच गए गाइस अपन। मीन्स कि हमने वो एस्केप कर लिया, नहीं अपनी ये अपने बेसमेंट पे किस टाइप की मशीनरी लगा रखी है। यहाँ से वेपर निकल रहा है बिल्कुल बाहर, और क्या क्या है इसमें अपने यूज़ होने के लिए। यहाँ पे बॉक्सेस पड़े हैं, बॉक्सेस पर जाए उसके लिए। ओके, यहाँ पे एक ग्लास का डब्बा है, इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ संभालने के लिए। ओके, और क्या यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है, शायद इसको कुछ मिल जाए, इसे भी ओपन करता हूँ। नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, इसे उठाया फेंका। क्या यार ये तो, ओके गाइस ये वॉशिंग मशीन नहीं, ये दरवाज़ा है, ये खुफिया दरवाज़ा है जिसे मैंने ओपन कर लिया। ओके, और इस दरवाजे के पीछे भी एक दरवाज़ा है, और अभी एक कैसे रूम में पहुँच गया गाइस। यहाँ पे एक बेड है, कुछ कैंडल्स हैं, ये रूम बिल्कुल खाली है, जैसे यहाँ पर किसी बच्चे को रखा गया था। ये कुछ पेंटिंग्स लगा रखी है इसने यहाँ पे, ये अंकल यार पागल है क्या यार। ओके गाइस, ये पेंटिंग फेक पेंटिंग थी, इसके पीछे भी एक विंडो है गाइस। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सारे कुछ फेंक रखे। पहले ये बॉल फेंक कर ट्राई करता हूँ गाइस, यहाँ तो बॉल भी नहीं आ रहा यार। मैं अब खुद जाकर ट्राई करता हूँ, क्या मैं इसके पास जा सकता हूँ इस खुफिया रास्ता। ओके, मैं अंदर, ये देखो गाइस, ये इस टाइप के सारे फेक दरवाजे, मतलब खिड़कियाँ लगा रखा है, मतलब पेंटिंग लगा रखे हैं संकल ने अंदर। तो गाइस आज के लिए तो मैं ये गेम यहीं पर रोक रहा हूँ, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस गेम को पूरा कंप्लीट करूँगा। और यहाँ पे जो जिस बच्चे को इस अंकल जी ने किडनैप करके रखा है, उसे अपने साथ यहाँ से लेकर बाहर निकलूँगा और बिल्कुल एस्केप करूँगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल